हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और इस वीडियो में जिस यूरो 2024 के राउंड ऑफ 16 मैच का हम प्रीव्यू करने वाले हैं वो खेला जाएगा ऑस्ट्रिया वर्सेस टर्की के बीच। तो गाइस, ऑस्ट्रिया ने ग्रुप स्टेज में बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव परफॉर्मेंस किया था। अगर मैं आपको इनके ग्रुप स्टेज के फिक्स्चर दिखाऊं, ऑल्दो ये पहला मैच 1-0 नैरो मार्जिन से फ्रांस के हाथों हार गए, बट उसके बाद इन्होंने अपने दोनों मैचेस जीते। 3-1 से इन्होंने पोलैंड और 3-2 से इन्होंने नीदरलैंड को हराया और इस ग्रुप को इन्होंने टॉप किया, जिस ग्रुप में फ्रांस और नीदरलैंड जैसी टीम थी। तो ऑस्ट्रिया बहुत इंप्रेसिव परफॉर्मेंस करके पहुंची है। इनफैक्ट कुछ लोग तो इनको डार्क हॉर्स भी मान रहे हैं इस बार टूर्नामेंट विन करने का। वहीं जो टर्की है उन्होंने भी डिसेंट परफॉर्मेंस किया। पहला मैच 3-1 से जीते जॉर्जिया के अगेंस्ट, दूसरा मैच हार गए 3-0 से पोर्टुगल के अगेंस्ट, लेकिन तीसरे मैच में इन्होंने 2-1 से चेकिया को हरा दिया और ये भी वहाँ डिसेंट खेल के पहुँचे हैं राउंड ऑफ 16 तक। अब इस वाले मैच की बात की जाए, दो अच्छी टीम है जिनका ग्रुप स्टेज में परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, बट अगर आप देखेंगे ऑस्ट्रिया टर्की से ज़्यादा बेटर नज़र आ रही है, ओवरऑल ज़्यादा बेटर फुटबॉल भी खेली है, क्वालिटी में भी बेटर है। दूसरा, इस मैच में टर्की के जो मेन प्लेयर है, मेन मिडफील्डर है हाकन चनालाग्लू, वो सस्पेंडेड है, वो नहीं खेलने वाले, तो वो एक बहुत बड़ा लॉस होने वाला है टर्की के लिए। बिना उनके इनका मिडफील्ड जो है बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। तो इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए मैं ये कहूँगा ऑस्ट्रिया इस मैच को जीतने के लिए क्लियर कट फेवरेट टीम होने वाली है। तो अभी के लिए स्मॉल लीग में हम ऑस्ट्रिया को ही बैक करते हुए अपनी टीम बनाने वाले हैं। अब गाइस, सबसे मेन चीज, इस मैच की लाइनअप आने के बाद जो भी फाइनल टीम में अपडेट होगी वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल में। तो जो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है आपको या तो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आपको मिल जाएगा टॉप पिन कमेंट में, ज्वाइन कर लीजिए। अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट प्रोबेबल लाइनअप पे और पहले स्टार्ट करते हैं ऑस्ट्रिया से। तो ऑस्ट्रिया इस मैच को जीतने के लिए क्लियर कट फेवरेट टीम होने वाली है। अभी मैं इनके मैक्सिमम यानी कि मैं 7 प्लेयर ऑस्ट्रिया के पिक करूंगा। तो इनकी प्रोबेबल लाइन पे नज़र डालते हैं। पेंट्स होने वाले इनके गोलकीपर, 4 इनके डिफेंडर होंगे, पॉश, डेंसो, लियनहार्ट और एमवेने। अब इस मैच में डिसेंट मुझे क्लीन शीट का चांस लग रहा है ऑस्ट्रिया का, तो मैं मैक्सिमम डिफेंडर इनके ले रहा हूँ। आप चाहे तो चारों के चारों डिफेंडर भी ले आ सकते हैं, बट अभी मैं 4 तो नहीं ले आ रहा हूँ, लेकिन मैं 3 डिफेंडर गारंटीड लूंगा। और जो फिलहाल मेरी टॉप 3 चॉइस है वो है पॉश, एमवेने एंड लियनहार्ट। जो पॉश हैं अभी तक के इनके बेस्ट डिफेंडर है फेंटेसी वाइज, अटैकिंग वाइज भी अच्छे हैं, डिफेंसिव भी बहुत करते हैं। बाकी एमवेने भी दोनों जगह से पॉइंट दे सकते हैं अटैकिंग डिफेंसिव वाइज। और लियनहार्ट मुझे जो है डेंसो के कंपैरिजन में तो स्लाइटली ज़्यादा बेटर लगे हैं, ये भी पासेस और टैकलिंग इंटरसेप्शन के पॉइंट दे सकते हैं और हेडर वगैरह में भी स्कोर कर सकते हैं। तो अभी मैं पॉश, एमवेने और लियनहार्ट ले गया, लेकिन आप चाहे तो लियनहार्ट के प्लेस में डेंसो ले सकते हो या आप चारों भी ले सकते हो अगर आप श्योर हैं क्लीन शीट रखेंगे, एक लो स्कोरिंग 1-0 2-0 टाइप का मैच होगा। बट अभी के लिए मैं 3 डिफेंडर ले रहा हूँ, पॉश, लियनहार्ट और एमवेने, अभी मैं डेंसो को इग्नोर कर रहा हूँ। सीवाल्ड और ग्रिलिश दोनों खेलेंगे डिफेंसिव मिडफील्ड में, ग्रिलिश को तो मैं इग्नोर कर रहा हूँ लेकिन मैं सीवाल्ड को लूँगा। अभी तक का मेरे अकॉर्डिंग वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर रहा है ऑस्ट्रिया का फैंटेसी वाइज, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव वगैरह करता है प्लेयर, बहुत ज़्यादा टैकलिंग इंटरसेप्शन करता है, किसी किसी मैच में तो 40-45-50 पॉइंट भी बिना गोल असिस्ट के देने में कैपेबल है। तो मैं अभी के लिए सीवाल्ड को लूँगा। इस मैच में मैं सीवाल्ड से अच्छे खासे डिफेंसिव पॉइंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बाकी साविट्जर इनका बेस्ट प्लेयर है, रेड हॉट फॉर्म में पूरे टूर्नामेंट में, गोल कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं, चांस क्रिएट कर रहे हैं, डिफेंसिव कर रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, मस्ट पिक रहने वाले हैं। और मोस्ट प्रॉब्ली अगर अनंटोविच नहीं स्टार्ट करते हैं जिसके चांसेस 50-50 हैं, तो साविट्जर फिर उस केस में पेनल्टी भी लेंगे। तो साविट्जर मस्ट पिक हैं और क्लियर कट इस मैच में कैप्टन वाइस कैप्टनसी के टॉप ऑप्शन होने वाले हैं। सेम विद बोमगार्टनर, अभी तक जितने ही मौके मिले हर एक मैच में इंप्रेसिव परफॉर्मेंस किया है, गोल असिस्ट भी किए हैं। तो मैं बोमगार्टनर और साविट्जर दोनों को लूँगा और ये दोनों ही सीवीसी के टॉप ऑप्शन होने वाले हैं। लाइमर प्लेयर तो अच्छे हैं लेकिन यहाँ पे ऑस्ट्रिया के लिए बहुत ज़्यादा खास नहीं कर पाए राइट मिडफील्ड पोजीशन में, फैंटेसी वाइज भी कुछ खास नहीं कर पाए हैं। तो अभी के लिए मैं लाइमर को इग्नोर कर रहा हूँ। बाकी फॉरवर्ड में मैं ग्रिगोरिच को लूँगा, अगर ये नहीं खेले अनंटोविच खेले फिर मैं उनको लूँगा, क्योंकि टर्की का जो डिफेंस है वो बहुत ज़्यादा सॉलिड नहीं है। ग्रिगोरिच ऑल द टूर्नामेंट में बहुत ज़्यादा इनको मौका नहीं मिला, लेकिन इससे पहले जर्मन बुंदेसलीगा में काफ़ी गोल मार के आए हैं और ये केपेबल है टर्की जैसे अपोनेंट के अगेंस्ट गोल असिस्ट करने में। तो मैं ग्रिगोरिच या अगर ये नहीं खेले अनंटोविच खेले जो भी खेला फॉरवर्ड उसके साथ चले जाऊँगा। तो ये ऑस्ट्रिया की 11 थी। फिलहाल जो मैंने यहाँ से प्लेयर्स पिक किए, 3 में डिफेंडर ले गया, पॉश, लियनहार्ट और एमवेने, इसके अलावा मैं सीवाल्ड, साविट्जर, बोमगार्टनर और ग्रिगोरिच को लेके गया हूँ। पेनल्टी अगर अनंटोविच खेले वो लेंगे, अगर वो फील्ड में नहीं होते तो साविट्जर लेंगे मोस्ट प्रॉब्ली इनकी पेनल्टी। बाकी अभी तक के इनके इस टूर्नामेंट के इस यूरोस के स्टैट हैं, आप ये स्टैट देख सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा आज का अपोनेंट है टर्की की। तो गुनाह होने वाले इनके गोलकीपर,
आई थिंक ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा अटैक करेगी इस मैच में, तो मेरे गोलकीपर टर्की के गुनोगी रहने वाले हैं। चार इनके डिफेंडर हैं, मुल्डर, डेमिराल, बडाकी और कडियोलू। फिलहाल अभी के लिए मैं एक डिफेंडर टर्की से ले आ रहा हूँ, फेवरेट ऑस्ट्रिया तो मैं मैक्सिमम वहाँ से ले गया, लेकिन एक डिफेंडर इनका बहुत स्टैंड आउट परफॉर्मेंस किया है, वो है इनका लेफ्ट बैक कडियोग्लू। ये बंदा अटैकिंग वाइज भी बहुत इंप्रेसिव है और डिफेंसिव वाइज भी उतना इंप्रेसिव है, तो अभी के लिए मैं कडियोग्लू को ले गया हूँ। एक से ज़्यादा लेने हैं देन आप राइट बैक मुल्डर भी ले सकते हो, बट अभी मैं सिर्फ एक ही डिफेंडर कडियोग्लू ले रहा हूँ, बाकी मैं तीनों डिफेंडर को इग्नोर कर रहा हूँ। अब गाइज मिडफील्ड में चनलोग्लू एक मेजर मिसिंग होने वाले हैं, सस्पेंडेड हैं इस मैच में, वो इनके बेस्ट प्लेयर थे, तो उनके प्लेस में युक्सेक और आयान का पेयर खेलेगा डिफेंसिव मिडफील्ड में। फिलहाल मैं दोनों को इग्नोर कर रहा हूँ, दोनों ने बहुत ज़्यादा खास नहीं किया। अभी मैं अर्धा गुलर को लूँगा इन एब्सेंस ऑफ चनलोग्लू। मेन मैन यही होंगे, टर्की के मेन टैलिस्मैन यही हैं, गोल असिस्ट करने में केपेबल है, टर्की इन पे डिपेंड भी होगी, तो मैं अर्धा गुलर को लूँगा। रिसेंट फॉर्म इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। बाकी किरण यिल्डिज ने कुछ खास किया नहीं है, किरण यिल्डिज ने, मैं अभी इनको इग्नोर कर रहा हूँ। फिलहाल मैं कोकचू को भी ले रहा हूँ, अटैकिंग मिडफील्ड में खेलेंगे, गोल असिस्ट करने में भी केपेबल है और डिफेंसिव भी करते हैं, जितने भी मौके मिले डिसेंट लगे हैं, तो अभी के लिए मैं कोकचू को भी ले गया। बाकी फॉरवर्ड में चेंग टोसून के रूमर सारे के स्टार्ट कर सकते हैं, अगर ये खेलते हैं मैं अभी के लिए पिक नहीं करने वाला, क्योंकि ऑल दो लास्ट मैच में सब्स्टिट्यूट से आके गोल मारा, लेकिन ये ऐसे स्ट्राइकर हैं, अगर गोल असिस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा पॉइंट नहीं देंगे और जल्दी सब भी हो सकते हैं। हाँ अगर इनके प्लेस में एक्टर कोग्लू खेलते हैं या बारिश हिल मैच खेलते हैं फिर मैं उनको कंसिडर कर सकता हूँ, बट अगर चेंग टोसून खेले अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यही खेलेंगे, तो मैं इनको इग्नोर कर रहा हूँ। तो ये टर्की की 11 थी। फिलहाल जो मैंने यहाँ से प्लेयर्स पिक किए, मैं इनके गोलकीपर ले गया गुनोक, इसके अलावा मैं लेफ्ट बैक कडियोग्लू, अर्धा गुलर और कोकचू को पिक करके गया हूँ। बाकी पेनल्टी इनकी चनलोग्लू लेते थे, उनके एब्सेंस में कौन लेगा मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ, हो सकता है टोसून ले ले, हो सकता है गुलर ले ले, कोकचू ले ले, बट पेनल्टी टेकर का मैं श्योर नहीं हूँ। बाकी ये अभी तक के इनके इस टूर्नामेंट के स्टेट है, इस यूरो के स्टेट है, आप ये स्टेट देख सकते हो। अब गाइस आ जाते हैं इस मैच की मेरी प्रिडिक्शन में, तो मैं एक क्लियर कट 2-0 या एक 2-1 ऑस्ट्रिया विक्ट्री के साथ जा रहा हूँ। तो अभी ये मेरी डेमो रफ टीम है, गोलकीपर मैंने गुनोक लिए टर्की से, उनका एक डिफेंडर कडियोग्लू जो उनका लेफ्ट बैक लिया, तीन में ऑस्ट्रिया के डिफेंडर लिया हूँ, पॉश है, एमवेने और लियनार्ट है। मिडफील्ड में मैंने सीवाल्ड, बोमगार्टनर और साविडजल लिया ऑस्ट्रिया से, वहाँ से मैंने लिया कोकचू और अर्धा गुलर, और फॉरवर्ड में मैंने ग्रिगोरिच को पिक किया है। अब अगर ग्रिगोरिच के प्लेस में अन्नांटोविक खेलते हैं तो मैं सिंपली फॉरवर्ड में उनके साथ चले जाऊंगा। अब गाइज आप यहाँ पे चेंज ये कर सकते हैं, सीवाल्ड वाले प्लेस में आप श्योर है सीवाल्ड बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं देंगे और ऑस्ट्रिया क्लीन शीट रखेगी, तो आप इनका जो फोर्थ डिफेंडर है सीवाल्ड को हटा के जो भी डेंसो या जो भी डिफेंडर होगा फोर्थ ऑस्ट्रिया का उसके साथ जा सकते हो। दूसरा मे भी आप कोकचू के प्लेस में अगर आपको फॉरवर्ड में एक्टर कोग्लू या बारिश हिलमैच ये लोग खेलते हुए दिखाई दे गए तो आप कोकचू हटा के उन प्लेयर को पिक करके चल सकते हो। बाकी मैं और ज़्यादा बहुत चेंजेस एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ इस टीम में। कैप्टनसी मैंने साविडजर को दिया है, वीसी मैं बोमगार्टनर को कर रहा हूँ, ऑस्ट्रिया क्लियर कट फेवरेट है, आप चाहे तो इसका रिवर्स कर सकते हो, बोमगार्टनर को कैप्टन करके साविडजर को वीसी। क्लोज मैच लग रहा है तो अर्धा गुलर को भी आप वाइस कैप्टन कर सकते हो, पर अभी के लिए मैं साविडजर और बोमगार्टनर की कॉम्बिनेशन को सीवीसी करने वाला हूँ। तो अभी ये मेरी डेमो रफ टीम थी। अपडेटेड फाइनल टीम के लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करना है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको या तो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आपको मिल जाएगा टॉप पिन कमेंट में, ज्वाइन कर लीजिए।